नमस्काराय नमः शिवाय मंदाकिनी पुजारी जी बजा रहे हैं, बता रहे हैं 250 वाट का वहाँ पे लगाना है, 150 वाट का लगाया गया है। कमिश्नर में कमिश्नर साहब गली के देने जा रहे हैं, लोका आयुक्त में देने जा रहे हैं और सचिवालय पटना भी लेकर करके जा करके गुठी प्रखंड का शिकायत करने जा रहे हैं। और वैसे घुसखोर पदाधिकारियों को हम पकसने वाले नहीं है। यदि सच बोलना बगाव थे तो समझिए हम बागी छोट लग जाते। बाबा तो इतना महिमा है कि यहाँ जो जो आते हैं खाली नहीं जाते, साल भर के अंदर अंदर उनको संतान बाबा देते हैं, चाहे जैसे भी थे। श्रावणी मेले को लेकर सिवान जिले के घुटनी प्रखंड के सुहागरा में यहाँ पर देख सकते हैं बाबा हंसनाथ के मंदिर पर इस समय सिवान से अधिकारी आए हुए थे, यहाँ पर बैठक किया गया और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे। अब आइए यहाँ पर इनसे हम लोग बातें करते हैं, जनप्रतिनिधियों से आदि आखिर इसमें बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया गया। यहाँ पर हमारे सामने जिला परिषद छोटलाल जी है और इधर आइए सुहागरा पंचायत के मुखिया जी है, ये लोग भी इसमें शामिल थे और पुजारी जी भी थे, वो सब इन सब से हम लोग बातें करते हैं। आखिर में इस बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया गया थोड़ा बताइए। देखिए सबसे पहले आगामी सावन मास के पर्व के शुभ अवसर पे अपने क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन को उज्जवल भविष्य के लिए, उन्नति प्रगति कुशलता सफलता के लिए ईश्वर से सुखद सानंद जीवन की कामना कर रहे हैं। और इस जो शांति समिति की बैठक था, इस बैठक में जिला के एसडीओ श्री राम बाबू बैठा जी आए थे और एसडीपीओ जितेंद्र पांडे जी आए थे और थाना अध्यक्ष बीडीओ सीओ साहब भी थे लोग, स्थानीय मुखिया थे बड़े रंजीत भाई और इस कमेटी के जो लोग भी यहाँ बैठे थे सबको स्वागत अभिनंदन करते हुए हम जिला प्रशासन से यहाँ मीटिंग में भी बोले हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करते हैं कि सावनी मेला में सुहागरा में सबसे पहले अति आवश्यक जरूरी है यहाँ सुलभ शौचालय का साफ सफाई, यहाँ शांति वातावरण, मान लीजिए जो भी है उसको लेकर इस समय का दिशा निर्देश क्या दिया गया, जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा हमको यह आश्वासन दिया गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से हम बोलकर शौचालय और स्कूल वगैरह वगैरह साफ सफाई कराने के कार्य करेंगे। एसडीओ द्वारा हम आग्रह किए कि सबसे पहले यहाँ शौचालय बना हुआ है, कुछ यहाँ मंदिर का अतिक्रमण जमीन है उसको मुक्त कराया जाए और अपने फंड से हम यहाँ 4 शेड का सुलभ शौचालय बनवाने जा रहे हैं जो कि योजना सेंशन हो गया है और इसी मंदिर के नाम पे पोखरा है जिस पोखरा में हम छठ घाट बनवा दिए हैं जिसका एक सप्ताह के अंदर उद्घाटन करेंगे जिसमें सारे गणमान्य। चलिए जिला परिषद जी का मांग सही है मंदिर के लिए और यहाँ पर थोड़ा पुजारी जी आइए जो एसडीओ साहब दिशा निर्देश मंदिर को लेकर दिए, यहाँ पर क्या दिशा निर्देश दिए। यहाँ हम लोग जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके पूजा के लिए विधि व्यवस्था के साथ उनका पूजा पाठ कराएंगे और प्रशासन के सहयोग से और अपने कमेटी के सहयोग से किसी भी श्रद्धालु को कोई भी तकलीफ होगा तो हमको तकलीफ होगा पूजा पाठ में। और गाड़ी जो यहाँ बैरिकेडिंग बन रहा है जब भीड़ हो जाए तो 1 घंटा के लिए वहाँ श्रद्धालु को हम लोग रोकेंगे हाथ जोड़कर, 1 घंटा रुक जाइए, जब खाली होगा तो हम आपको पास कराएंगे। एसडीओ साहब दिशा निर्देश क्या दिए हैं मंदिर को देख? वो दिए हैं दिशा निर्देश की लाइट का व्यवस्था आप लोग करा लीजिए। आपकी को कराने के लिए बोले कमेटी को, कमेटी हमारी है ना, वो लाइट की व्यवस्था करा लेगी और कैमरा लगा देगी और अपना साउंड का व्यवस्था हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेले में बहुत लोग भूल जाते हैं बच्चे लोग तो उनको हम लोग माइक द्वारा आवाज देते हैं, उनके गार्जियन आते हैं और लेके जाते हैं मंच से और ज्यादा भीड़ होता है तो उसमें चैन चुराने वाले लोग भी आते हैं तो हम लोग प्रचार करते रहते हैं भाई अपना आभूषण आप स्वयं संभालिए, इसका जिम्मेवारी न मंदिर प्रशासन का होता है, न मंदिर कमेटी की होती है, न मंदिर के पुजारी की होती है, आप स्वयं अपना सामान के अपने रक्षा कीजिए। प्रशासन वगैरह सब यहाँ पर उपस्थित रहेगी, सभी लोग रहते हैं। मुखिया जी आप बताइए क्या श्रावणी मेला पर क्या कहें? श्रावणी मेला आ गया है बाबा हंसनाथ जी के नगरी सुहागरा धाम में, जितने श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के आने वाले हैं उनकी दर्शन कराने के लिए उनकी विधि व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो है कि जिला प्रशासन के लोग आए थे, हमारे प्रशासन के लोग आए थे और यहाँ के जो मंदिर बाबा हंसनाथ सेवा समिति है वो अपने ओर से तैयारी करके रखी हुई है। हम लोग भी जनप्रतिनिधिगण हैं, चाहे जितने भी यहाँ पर भक्तजन है, अब भक्तजन को यहाँ पर आना है बाबा का दर्शन करने के लिए तो समिति प्रशासन सभी भक्तजनों का सेवा और सुलभता से यहाँ पे जल चढ़ जाए उसके लिए तो हम लोग लगे ही हुए हैं। सभी भक्तजनों से हाथ जोड़ के और स्थानीय भक्तजन आए या बाहर से भक्तजन आ रहे हैं सभी से अपील हम करेंगे अपने सुहागरा पंचायत की ओर से एक मुखिया होने के नाते भी कि
कि बाबा का स्थान सभी का है, जिसका भी शिव में लगन है सभी के बाबा हैं, तो समिति और प्रशासन तो लगे ही रहेंगे, जितने भक्त आएंगे उनसे हाथ जोड़कर कर बार प्रार्थना है कि आप लोग भी भक्ति भाव से इस मेला को सुलभ रूप से संपन्न कराने में हम लोग का सहयोग करेंगे, यही आशा रखते हैं हम। आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्या क्या कर व्यवस्था हम लोग अपने तरफ से व्यवस्था जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे जलपान का व्यवस्था हम लोग करेंगे, पानी का व्यवस्था करेंगे, हो सके तो टैंकर का व्यवस्था कराएंगे, और समिति और यहाँ के स्थानीय लोग स्वयं ही जो कांवर यात्रा लेकर लोग आते हैं उनका कांवर रखने के लिए व्यवस्था रास्ता में भी किया गया है, आपको आएंगे तो आपको गुठनी से भी मिलता है व्यवस्था, गुठनी से आते समय रास्ता में भी आपको मिलेगा, इधर के खिलवा आ जाइएगा या कुरमौली मोड़ के पास आ जाइएगा, हर जगह आप लोगों का व्यवस्था है कांवर रखने के लिए। सभी से आग्रह है कि आप लोग आइए और बाबा में एक महीना हम लोग रम करके बाबा के भक्ति में लगे रहे। चलिए, जल भरते हैं लोग कहाँ से भर कर लाते हैं? जल तो यहाँ पर भागलपुर से आता है, ग्यासपुर घाट से भी लोग लाते हैं, दरौली घाट से लाते हैं, और दो स्थान है जिनका जिस तरह संकल्पित लोग करते हैं, बाबा हंसनाथ जी का यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और बाबा दीर्घेश्वर नाथ जी का, दोनों जगह जल। बाबा भीड़ ज्यादा लगता होगा मेला में? मेला में सावन गिराने के लिए दो साल जो बंद हो गया है सावन, इसके चलते थोड़ा सोमवार को ज्यादा भीड़ रहेगा और शुक्रवार को, बाकी 13 के दिन भीड़ रहेगा यहाँ पर, जो 13 से पड़ेगा सावन का, और उसमें हम लोग गाँव जवार से मैंने चंदा लेकर लंगर चलाते हैं 13 के दिन, जो श्रद्धालु लोग रात में आते हैं उनको फ्री में हम लोग निःशुल्क भोजन कराते हैं, इसमें जिसको भी सेवा भाव हो वो अपने तरफ से कुछ भी दान कर सकता है, और उसके लिए मंदिर के कमेटी जो है वो हाथ दान आप दे सकते हैं, मंदिर के रख रखाव के लिए विधि व्यवस्था के लिए मंदिर की कमेटी है, और यहाँ सबसे पहले जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ अधिकतर लोग वही आते हैं कि जिनके पास मैंने संतान ना हो, तो बाबा का इतना महिमा है कि यहाँ जो आते हैं खाली नहीं जाते हैं, साल भर के अंदर अंदर उनको संतान बाबा देते हैं चाहे जैसे भी दें। अच्छा, SDPO और SDO की बैठक कराने से फायदा क्या दिखता है? फायदा हमको यही होता है, SDPO साहब आ जाते हैं, SDPO साहब और चाहे SDM साहब, तो हम तो व्यवस्था दे देते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था हमको चाहिए मिलती है, मिल जाती है प्रशासनिक व्यवस्था से, हम तो क्या होता है थोड़ा सा हम जैसे सिविल हो गए, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक कर जाइए तो आप नहीं मानते, आप श्रद्धालु हैं तो हम तो भी तो नॉर्मल ही आपसे बात करना है, आप प्रशासनिक रहते हैं तो थोड़ा सा वो लुकाइट हो जाते हैं कि अभी भीड़ है रुक जाइए, निकल जाएंगे आप जाइएगा, बस प्रशासन की ही व्यवस्था इतना ही, और सरकारी कुछ इस पर व्यवस्था नहीं मिलती है, मंदिर के तरफ से ही जो व्यवस्था करना वो करना पड़ता है। जी, मंदिर की तरफ से हम लोग अथक प्रयास करते हैं कि कोई भी आदमी कोई सरकार के तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं मिलती, सरकार वही पुलिस की सरकार के तरफ से बस हमको प्रशासनिक व्यवस्था मिलता है विधि व्यवस्था करने के लिए, और व्यवस्था हमारी कमेटी लगी है, हमारे मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, हमारे मिनासा हैं जो कमेटी के सचिव हैं, ये लोग गांव गांव में जब आवश्यकता पड़ता है तो विशाखन भी इसका कोई निवारण नहीं होता है, मान लीजिए बिजली का तार नीचे से गया है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो काफी संख्या में सैकड़ों भक्तों की भीड़ लगती है, किसी को भी करंट लग सकता है, तो इसके लिए तो हम बोले हैं आपके सामने, मैं यही पूछ रहा हूँ, वो लोग बस आए प्रशासन का यहाँ पर मुहैया कराएंगे, ये सब व्यवस्था तो सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार के मैंने फंड से ही हो रहा है, सरकारी फंड से ही ये बिजली का व्यवस्था चाहिए, मंदिर का जो सुंदरीकरण जलता है जलता है, कल ही लगा है, अभी कल ही लगा है तो जलता स्टार्ट हुआ है, जितना लंबा लगा है उतना वोल्टेज का तो इसमें एलईडी दिख नहीं रहा है, 150 वाट में एलईडी है। हाँ, जैसे मुखिया जी इसका एस्टीमेट हमारे पास नहीं है, एक कौन लगाया है जिला परिषद भी जानते होंगे, ये जो यहाँ पे लगा है ना प्रशासन की ओर से डीएम साहब का, शायद इसमें उस कमेटी का अध्यक्ष है। अच्छा, जितना बड़ा लगा है वैसे तो नहीं दिख रहा है, कम पावर का लगा है, लालटेन की तरह जलता होगा? नहीं नहीं, अच्छा जल रहा है, कल तो रोशनी इसका हुआ था, अच्छा जल रहा है, पर्यटन विभाग का ही फंड है तो उसमें कुछ घपला नहीं दिख रहा है वो लाइट में, देखिए इसका तो हम लोग से अभी पूछेंगे, सब लोग बता, हम यही चीज आपको लग रहा है कि नहीं, देखिए यही चीज मैं डीओ साहब से कह रहे थे कि आप विधि व्यवस्था के मालिक हैं, सारे लोग आपका दिन है, थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इसका यही एक क्रांतिकारी नेता है, कहीं भी किसी भी चीज की बैठक हो, एक मिनट, किसी भी चीज की बैठक हो उसमें अपना मुद्दा जरूर रखते हैं, घुसा कर रख देते हैं, मंदिर की जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब मुद्दा यहाँ पर रख दिए, सुनवाई होगा लग रहा है, लड़ने का काम किए हम जी हजूरी नहीं करते हैं भैया, यदि सच बोलना बगावत है तो समझिए हम बागी छोट लग जा दो, आज तक ना कोई पदाधिकारी बात सही है, किसी की भी चमचई चुगलीगिरी नहीं करते, जैसे घुटनी प्रखंड में हर विभाग करता है
पत्रकारिता में भी है, प्रतिनिधियों में भी है, लेकिन ये अलग कुछ हटके है। ये चुगलीगिरी नहीं करते है ना, चमचागिरी बिल्कुल न किए हैं, भी लड़ जाते हैं। चाहे इसके लिए हमको कोई कितनों कष्ट उठाना पड़े भैया, लेकिन हम न चमचे आज तक किए हैं न करेंगे, हमारा फितरत में चमचे नहीं है। सच बोलते हैं, जो भी प्रखंड का विधि होता है या प्रखंड विकास अधिकारी का, मेरा भी मामला अपने जाकर जिला परिषद सदन में उठाए हैं छोटे लाल जी, अच्छा काम किया है। हाँ, कार्रवाई होने जा रहा है, एकदम बिल्कुल कार्रवाई होने जा रहा है, वीडियो पर होगा। हाँ, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई होगा, यहाँ के जो आवास सहायक है उन पे होगा। यहाँ यदि नहीं होता है तो नेक्स्ट मीटिंग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जिससे हमारा बैठेगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। और कमिश्नर में कमिश्नर साहब का लिख के देने जा रहे हैं, लोका आयुक्त में देने जा रहे हैं, और सचिवालय पटना भी लिख करके जा करके उसी प्रखंड का शिकायत करने जा रहे हैं, और वैसे घुसखोर पदाधिकारियों को हम पकसने वाले नहीं है। चलिए, हम भी प्रयास में है, जिस दिन उजाएंगे उस दिन हर चीज घुटनी प्रखंड का उजागर करेंगे कि मैं क्यों जेल गया था या क्या क्या उस मामले में हुआ था, और आपको इसमें जो काम हो रहा है इसमें सही तरीके से हो रहा है? काम एक पैसा सही के नहीं हो रहा है। हाँ। जितना भी काम ठीका आप लग रहा है कायल 2017 से है। हाँ। और 2022 चल रहा है, 5 साल हो गया अभी तक काम यहाँ फाइनल नहीं हुआ। और इस लाइट का जो मेन्यू है उसमें 250 वाट का इसको लगाना है, लगा है अभी कितना 150 वाट का। अब यहाँ पर देखिए पुजारी जी बजा रहे हैं, बता रहे हैं 250 वाट का वहाँ पे लगाना है, 150 वाट का लगाया गया है। उसमें भी मंदिर में भी यहाँ पर भ्रष्ट लोग छोड़ नहीं रहे, और कहाँ कहाँ हो रहा है। इस लाइट को भी लगाना है तो बजाज का लगाना है, बजाज का लगाना है, ये लोकल है। और हेवल्स का लगाया है, और जितना भी हेवल्स तो और मजबूत है, नहीं जितना भी यहाँ लगना है बजाज और हेवल्स का ही लगना है, बोर्ड हो या लाइट हो। और अंदर आप लाइट देखे हैं, बजाज का है या हेवल का है? नहीं, यही हम एसडीपीओ साहब को भी देखा है और एसडीएम साहब को भी देखा है, और क्या कहे लास्ट में कि थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ मंदिर को लेकर, स्वामी मेले को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, और उसके बाद पंडित बाबा को भी यहाँ पर प्रशासन की मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद 14 तारीख से यहाँ पर मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आना शुरू करेंगे, एक महीना तक ये सिलसिला चलेगा। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।